हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिविंग मशीन रिपेयर, ठीक है। प्लास्टिक सिविंग मशीन रिपेयर, प्लास्टिक सिलेंडर को हम कैसे रिपेयर करेंगे। आइए आज हम इस वीडियो में सीखते हैं कि प्लास्टिक मशीन में कैसे रिपेयर करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा एक प्लास्टिक सिविंग मशीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, वो ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से गर्म करता है, किस तरीके से हमारा प्लास्टिक सीलिंग करता है, इसके अंदर कौन कौन से सामान लगे हुए, कौन कौन से कंटेंट्स लगे हुए हैं। इसके खोलने का ये तरीका है, इसके चार स्क्रूप है, चारों स्क्रूप आप खोल लेंगे तो ये खुल जाएगा। इस तरीके से हम चारों स्क्रूप खोल लेंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ। इसके अंदर हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो हमारे जो पर वो है एलिमेंट को गर्म करता है। ये हमारा एक बटन लगा हुआ है जिसको हम प्रेस करते हैं, ये हमारा बटन प्रेस होता है, ठीक है। ये हमारा एक स्विच लगा हुआ है, ये हमारा 220 वोल्ट से डायरेक्ट इनपुट हो रहा है और एक तार ट्रांसफार्मर पे जा रहा है, और इसका दूसरा तार जो है इसके कंट्रोलर सर्किट पे जा रहे हैं, जो स्पीड कंट्रोलर है उस पर जा रहे हैं, ठीक है। तो और बाकी ट्रांसफार्मर से चार तार निकल रहे हैं, दो इनपुट के और दो आउटपुट के, आउटपुट के तार हैं दोनों हमारे दोनों साइड पे कनेक्ट हैं, एक यहाँ पर कनेक्ट है और दूसरा उस साइड कनेक्ट है, ठीक है। ये वाला तार है और ये वाला तार है जो हमारे आउटपुट पे कनेक्ट है एलिमेंट पे, जो हमारे एलिमेंट को गर्म करता है। इसके अंदर से ये खराबी थी, ये पट्टी इसकी ख़राब थी, तो ये पट्टी मैंने रिप्लेस कर दी है। और इसके अंदर यही सब सामान है और कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बहुत आसान है इसको रिपेयर करना, आप अपने आप घर पर आराम से रिपेयर कर सकते हैं। ये यही काम कर रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया। और ये मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ भी गर्म भी हो रहा है, प्लास्टिक सिलाई मशीन है हमारा कंपनी का था। तो आज के इतने गाइस, कैसा लगा आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आज के इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।